हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी गोभी पराठा। इसे बनाना बहुत आसान है, बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखना पड़ता है। और इस ट्रिक से गोभी पराठा बनाएंगे तो आपका गोभी पराठा कभी नहीं फटेगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। गोभी पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉल में हम एक कप आटा ले लेंगे। उसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और नमक को आटे में अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए, नमक को आटे से अच्छे से मिला दिया मैंने। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम पराठा बनाते हैं, चाहे कोई भी पराठा हो, तो हमें आटा को एकदम सॉफ्ट गूथना है, तभी स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी और पराठा एकदम सही बनेगा। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो गूथ लेंगे। और ये देखिए, डो हमारा बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं आप, और कितना सॉफ्ट है। तो इसे अच्छे से हाथों से मसल कर हम इसे चिकना कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से चिकना कर लिया है। अब हाथों में हल्का सा ऑयल ले लेंगे और डो को ग्रीस कर देंगे और ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। अगर हम डो को रेस्ट करने देंगे तो पराठा और अच्छा बनेगा और सॉफ्ट बनेगा। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप पराठा तुरंत भी बना सकते हैं। इस प्रोसेस में भी पराठा बिल्कुल अच्छा बनता है। तो मैं इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने देती हूँ, तब तक स्टफिंग बना लेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने गोभी को अच्छे से धो लिया है, तो मैंने इसे ग्रेट कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह ग्रेट कर लेंगे। अगर आप ग्रेटर से ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे बारीक बारीक भी काट सकते हैं या फिर मैनुअल चॉपर से चॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए, एकदम ग्रेट कर लिया मैंने इसे बारीक। अब हम इसे एक कपड़ा लेंगे, सूती का कपड़ा ले लेंगे, जिसमें हम इसको छान लेंगे। अगर इसमें हल्का सा भी पानी होगा तो इसे अच्छे से निचोड़कर निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को करने से पराठा फटेगा नहीं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इस तरह गोभी को अच्छे से निचोड़कर पानी निकाल लेंगे। इसमें ज्यादा पानी है नहीं, बस हल्का सा पानी है, तो उसे मैं अच्छे से प्रेस करके निचोड़ के निकाल लेती हूँ। अब इस गोभी को एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए, और देख सकते हैं आप, गोभी पहले से काफी ज्यादा ड्राई और अच्छा दिख रहा है। ये देखिए, गोभी कितना अच्छा खिला खिला और एकदम बिल्कुल ड्राई है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च और आधा इंच का अदरक टुकड़ा बारीक कटा हुआ। इसमें सब्जियों को एकदम बारीक काटे, जो भी इसमें डालेंगे, अदरक, हरी मिर्च। फिर इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे एक छोटी चम्मच, आमचूर पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। फिर इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल देंगे। अभी इसमें नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर इसमें अभी नमक डाल देंगे तो ये पानी छोड़ देगा, तो इस प्रोसेस से करने से भी पराठा अच्छा बनेगा नहीं। ये देखिए, अच्छे से सारे मसाले को हम मिला देंगे गोभी में और ये हमारा स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो ढक्कन हटाएंगे। देख सकते हैं डो भी हमारा काफी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे एक बार अच्छे से हथेलियों से गूंथ लेते हैं और ये देखिए, स्मूथ कर लेते हैं। और देख सकते हैं डो हमारा कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट बना है। इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। तो पराठा के लिए हमें जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं उसे थोड़ी सी बड़ी लोई तोड़ लेंगे। पराठा के लिए हमें हमेशा बड़ी लोई का इस्तेमाल करें। तो ये देखिए, मैं एक कप आटे से चार पराठा बना रही हूँ। तो अब हम पराठा बेल लेंगे। तो इसके लिए मैंने डो, स्टफिंग और सूखा आटा और ये चकला बेलन लिया है। तो एक लोई को ले लेंगे, इस तरह हाथों में गोल घुमाते हुए स्मूथ कर लेंगे और पेड़े जैसा बना लेंगे। तो अब हम पराठा बनाने के लिए स्टफिंग में नमक डाल देंगे। नमक हमने पहले नहीं डाला था, तो अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, नमक को मिला देंगे। ये देखिए इस तरह, क्योंकि अब हम पराठा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब हम पराठा बनाने के लिए तैयार रहें तभी इसमें नमक डालें। तो सूखा आटा इस तरह डस्ट कर देंगे एक लोई में और इस तरह अंगूठे को बीच में प्रेस करते हुए, राउंड घुमाते हुए हमें इस तरह कटोरी का शेप का बना लेना है। ये देखिए, इस तरह राउंड घुमाते हुए हमें अंगूठे से प्रेस करना है बीच में, और बीच में हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, और जितना हमें स्टफिंग डालना है उस हिसाब से हम स्टफिंग डाल देंगे। तो मैं इसमें स्टफिंग डाल देती हूँ।
ये देखिए 2 चम्मच स्टफिंग डाल देंगे। तो मैं इसमें ज़्यादा स्टफिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको जितना पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। और स्टफिंग को अंदर की ओर प्रेस करते हुए, ये देखिए इस तरह अंदर की ओर प्रेस करते हुए किनारों को एक जगह इकट्ठा करेंगे। ये देखिए इस तरह राउंड राउंड घुमाते हुए किनारों को एक जगह इकट्ठा करेंगे और इसे हम पैक कर देंगे। तो इस तरह पैक कर देंगे ये देखिए, और हल्का सा राउंड करते हुए चपटा कर लेंगे। तो ये हमारा एक पेड़ा बनके तैयार है। तो अब हम इसे पहले हथेलियों से चपटा करेंगे, फिर बेलन का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रोसेस को करने से स्टफिंग सारे जगह में जाती है और अच्छे से कोने कोने में फैल जाती है। तो पहले इस तरह हाथों से चपटा कर लें, और ये देखिए इस तरह सूखा आटा लगा के इस तरह राउंड राउंड घुमाते हुए कर लें, ताकि स्टफिंग हमारे सारे कोने कोने तक अच्छे से चल जाए। देखिए अब हम इसे बेलन चलाएंगे, तो सूखा आटा लगा देते हैं दोनों साइड अच्छे से। तो अब हम इसे हल्के हाथों से बेलन को इस तरह राउंड राउंड घुमाते हुए पराठा बेल लेंगे। तो बेलन को ज़्यादा प्रेस नहीं करें, वरना पराठे फट जाएंगे। तो इस तरह देखिए राउंड राउंड घुमाते हुए हमें पराठा को बेल लेना है। तो ये देखिए इसी तरह हम पराठा को बेल लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलें, तभी पराठा बहुत अच्छे से बनेगा। तो ये देखिए एक पराठा मैंने बेल कर तैयार कर लिया है, और जो हमारी स्टफिंग बीच बीच में हल्की सी फटी है तो उससे आप टेंशन नहीं लें, क्योंकि जब हम सेकेंगे और इसमें ऑयल अंदर जाएगी तो पराठा और अच्छा लगेगा खाने में। तो ये देखिए पराठा हमने बेल कर तैयार कर लिया है। तब हम चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। तो गैस पर एक तवा गर्म करेंगे, तवे को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, और जो साइड पराठा का हल्का हल्का लेयर दिख रही है वो साइड हम अंदर रखेंगे। और देखिए सेकने के बाद हमें इसे पलट देना है और ऑयल को लगा देना है। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको घी पसंद है। तो देखिए इस तरह ऑयल को अच्छे से लगा देंगे, और जब ऑयल हमारे इस फटे हुए भाग से अंदर जाएगी तो पराठा खाने का स्वाद और दोगुना बढ़ जाएगा। तो दूसरे साइड को भी पलट के हमें इस तरह ऑयल लगा देना है। तो किनारों में देख सकते हैं बिल्कुल भी पराठा हमारा फटा नहीं है, और कितना अच्छा एक भी स्टफिंग बाहर नहीं निकल रही है देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से हमें अलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से पका लेना है सेक सेक के। ये देखिए कितना अच्छा, कितना कलर, कितना बढ़िया कलर दिख रहा है पराठा का हमारा। तो एक पराठा हमारा बन के बिल्कुल तैयार है। तो इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखिए इसे आप सर्व करें अचार या फिर टमाटो केचप के साथ, और सेम प्रोसेस से दूसरा पराठा भी सेक लेते हैं। तो ये देखिए दूसरा पराठा भी सिक चुका है हमारा, देख सकते हैं दोनों साइड कितना बढ़िया कलर आया है। तो इसे भी एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये हमारा गर्मा गर्म गोभी का पराठा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, और इसकी स्टफिंग दिखाती हूँ मैं। एकदम पूरा कोने कोने तक स्टफिंग गई है, ये देखिए बिल्कुल कोने कोने तक स्टफिंग गई है, और कितना स्टफिंग अच्छा दिख रहा है, और टेस्ट में तो इसका जवाब नहीं। इस रेसिपी को आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। इससे आप टमाटो केचप अचार के साथ सर्व कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।